नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं मार्केट साइंटिस्ट। आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 53 लाख लोगों ने बाजार को अलविदा कह दिया और कैसे मैक्सिमम लोग मार्केट में लॉस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 90 लोग यानी 90% मार्केट को 90 डेज में आउट हो जाते हैं, और जो मार्केट में एक्यूरेसी माना गया है कि 100 लोग ट्रेड करते हैं तो वहां 5 लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं, वहीं जो 95 लोग हैं वो लॉस में ही रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा डाटा जो है एनएससी के तरफ से सेबी के तरफ से डिक्लियर होते हुए दिखा था। तो ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, कम से कम 3 लोगों तक जरूर शेयर करें और समझेंगे कि आखिर लॉस से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि जो 53 लाख का नंबर है वो कम नंबर नहीं होता है। 53 लाख लोगों ने बाजार को एग्जिट करा, 53 लाख लोगों ने, और इन्होंने ये कहा कि जो स्टॉक मार्केट है इसको इन्होंने क्या कहा कि ये एक जुआ है, गैम्बलिंग है। तो इस समय समझेंगे कि आखिर क्या क्या मिस्टेक रही थी। सबसे पहला जो नए ट्रेडर हैं उनका गलती क्या होता है कि उनको बेसिक समझ नहीं होता है। जब तक आपको बेसिक मार्केट के अंदर नॉलेज नहीं होगा तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक नॉलेज क्या है? सबसे पहला नॉलेज बेसिक क्या होता है कि आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए। खुद से सीखेंगे, कोर्स लेकर के सीख रहे हैं, फ्री यूट्यूब से सीख रहे हैं, जहां से भी सीख रहे हैं, आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए। दूसरा गलती क्या होता है कि स्टॉक ट्रेडिंग करने से पहले लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आ जाते हैं, ऑप्शन जो ट्रेडिंग होता है वो करने के लिए आ जाते हैं। आखिर स्टॉक मार्केट में लॉस लोग कैसे करते हैं, इसको एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाऊं, जिसके कारण आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे कि आखिर लोग लॉस कैसे करते हैं। सबसे पहला चीज समझेंगे कि कोई भी न्यू ट्रेडर बाजार में अपने दोस्त या किसी को देख करके ट्रेडिंग करने के लिए आता है, तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो नए ट्रेडर का होता है वो 10 से 30 रुपए के शेयर को खोजता है। ऐसे शेयर को खोजेगा, बल्क क्वांटिटी में बाइंग करेगा कि मान लो 20 का कोई शेयर है, यहां से अगर 30 भी हो गया, हमने अगर 10,000 क्वांटिटी भी ले ली तो सीधा जो हमारा प्रॉफिट होगा वो लगभग 50% का प्रॉफिट आएगा। यहां पहला गलती होता है, जब भी नए ट्रेडर हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे कि मार्केट में ज्वाइनिंग करने के बाद इनको क्या करना चाहिए, निफ्टी के स्टॉक में ही ट्रेडिंग करना चाहिए। निफ्टी का स्टॉक जैसे कौन कौन सा है, मान लीजिए कि रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इंफोसिस, ITC, ये ऐसे शेयर हैं जिसकी वोलेटिलिटी कम होती है और आज नहीं तो कल लगभग 3 ईयर में ये स्टॉक ऑल टाइम हाई को टच करते हुए दिखता है। तो पहला गलती हम कहां करते हैं, पेनी शेयर में आने के बाद। दूसरा, जब कोई न्यू ट्रेडर पेनी शेयर से ट्रेडिंग शुरू करता है, वहां जो उनका लॉस है क्योंकि वहां वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उनके बाद उनको कोई बताता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो, जहां उनका मतलब क्या होता है कि ओवरनाइट करोड़पति बनना चाहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहला हमने क्या कहा कि चार्ट रीडिंग, ये तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करें या फिर कैश में, चार्ट ट्रेडिंग समझ में आना चाहिए। और ऑप्शन के ग्रीक होते हैं, मान लीजिए आपको ग्रीक नहीं भी आता है तो कम से कम डेल्टा क्या होता है, इंडिया वीक्स क्या होता है और IV क्या होता है, ये वोलेटिलिटी दिखाता है। ये इंडिया वीक्स जो है ये भी वोलेटिलिटी का ही है, डेल्टा भी जो है वो वोलेटिलिटी का ही है, लेकिन तीनों एक अलग अलग टर्म है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रीमियम वोलेटिलिटी को बताता है। तो ये चार टर्म ऐसा है जो आपको समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम लोगों के यही गलती होते हैं, और जो मैक्सिमम लॉस का कारण हमने आइडेंटिफाई करा है उसको एक बार आप समझेंगे और आपके जो भी कारण रहे होंगे उसको कहेंगे। सबसे पहला चीज क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग।
जिसको आप रिवेंज ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, जिसको हम रिवेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं। अर्ली मॉर्निंग में आपने 2000 अर्न तो कर लिया, लेकिन शाम में देखेंगे तो इसका जो है 15000 लॉस हो जाता है। कोई भी बंदा एक ही दिन में 20 लाख 1 करोड़ का लॉस नहीं करता है। पहला जो लॉस होता है वो स्मॉल लॉस ही होता है, लेकिन उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग होता है, जहां से बड़े बड़े लॉसेस बनते हैं। तो पहला बेसिक क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट ट्रेडिंग को समझेंगे, जो आपका ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज है ये बुरा नहीं है अगर आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को समझते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस को नहीं लेते हैं, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए और आपका जो रिस्क है वो पहले से डिफाइन होना चाहिए कि किसी भी ट्रेड में हम 1% से या 2% से ज्यादा लॉस नहीं लेंगे। ये दो बड़े कारण रहे। तीसरा कारण जो रहा 100% एक्यूरेसी होने का, कि हमको 100% एक्यूरेसी होना है, हर टाइम हमको सही होना है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मैंने हमेशा कहा है कि मान लीजिए कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, मान लीजिए आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है और आप 100 ट्रेड मंथ में करते हैं, इसमें से अगर आप 40 टाइम भी राइट होते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। कोई भी ट्रेडर 100% एक्यूरेसी नहीं होता है, तो इससे बढ़िया क्या है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो पे ध्यान देंगे और 100 टाइम सही होने का नहीं है, आप 40 टाइम्स भी सही होंगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ये तीन चीजें हुई। चौथा चीज क्या होता है, अननेसेसरी ट्रेड लेना। कभी भी अननेसेसरी ट्रेड लेने से बचेंगे। जब भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखे तभी ट्रेड लेंगे और अपने रिस्क रिवार्ड को समझेंगे। ये कुछ कारण रहा। और पांचवा कारण मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेडिंग, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कम से कम जो आपका कैपिटल है वो 50,000 से होना चाहिए, जहां रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, एक्यूरेसी 100% नहीं लेना है, अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना है। इन सभी चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। कभी भी गैम्बलिंग के पर्पज से ट्रेडिंग नहीं करेंगे, एक प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेडिंग करेंगे और हमारे बताए गए इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। बाकी ये सभी टर्म्स को जो हमने यूज किया है, काफी जल्दी इन सभी टर्म्स को डिकोड करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों के लॉस को हम बचा सके। और हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद यही है जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं उनको गलत ट्रेड से बचाना है, गलत ट्रेड से बचाना है। और इंडिया के सभी रिटेल ट्रेडर को कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना सके, यही हमारा मनसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर करेंगे।